हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल मेकअप स्टेप बाय स्टेप, पूरा डिटेल में शुरुआत से कैसे मेकअप स्टार्ट करना चाहिए सब कुछ। और ये बाल मैंने कल स्ट्रेट किया था ओनली स्ट्रेटनिंग मशीन के जरिए, कोई भी जेल दिए कुछ भी नहीं लगाया था और मेरा अभी तक स्ट्रेट है वैसे का वैसे। और जबकि मैंने बहुत ज्यादा टाइटली जुड़ा भी बनाया था लेकिन बहुत अच्छे से हुआ था, ये मेरे स्टूडेंट ने किया था और काफी अच्छा स्ट्रेट है बाल अभी तक। जैसे कि आपने पहले मेरा बालों का टेक्सचर देखा होगा नॉर्मली कैसे रहता है, ये मैं हेयर वॉश करूंगी तो ही शायद अपना नॉर्मल टेक्सचर में आएंगे। तो चलिए मेकअप की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो आपको अपने चेहरे का सीटीएम करना होता है। सीटीएम मतलब हमने बहुत बार बताया है क्लिंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो आपको सबसे पहले क्लिंजिंग मिल्क लेना है, ये अरोमा का क्लिंजिंग मिल्क है, काफी ज्यादा अच्छा है एंड बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है। और काफी अगर आप इसको डेली बेस पे भी चाहो तो यूज कर सकते हो, अगर आप डेली धूप में जाते हो या फिर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, ऑफिस जाना आना है, गर्ल्स ही नहीं बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर फेस वॉश या साबुन यूज नहीं करना चाहते तो आप क्लिंजिंग मिल्क थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके अच्छे से फेस पे मसाज करके वॉश कर दो तो आपका स्किन काफी अच्छा ग्लो करेगा। तो सबसे पहले क्लिंजिंग मिल्क करना है जो कि मैं कर चुकी हूँ। एंड सेकेंड स्टेप में आपको टोनर अप्लाई करना होता है। टोनर बहुत सभी कंपनियों के मिलते हैं अलग अलग। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल ले सकते हो, ये मैंने मीशो से मंगाया था और काफी खत्म हो चुका है, इतना सा बचा हुआ है ये। तो ये पार्लर पैक था टोनर की। टोनर को इस तरीके से स्प्रे वाला लेना चाहिए और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। और जब भी आप टोनर अप्लाई कर रहे हो तो उसको कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए उसको छोड़ोगे ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके से टोनर मैंने अप्लाई कर लिया है, वो दीजिएगा मॉइस्चराइजर बोरो प्लस वाला। उसके बाद सीटीएम का सी हो गया क्लिंजिंग, सी मतलब टोनर, एंड नेक्स्ट स्टेप होगा मॉइस्चराइजर। ये मेरा बोरो प्लस का मॉइस्चराइजर है, ये मैं डेली वे में यूज करती हूँ। आपके स्किन पे जो सूट करता हो या फिर आप जो लगाते हो वो यूज कर सकते हो। अगर आप सर्दियों में मेकअप कर रहे हो तो आपको मॉइस्चराइजर का क्वांटिटी ज्यादा रखना है, बट अभी गर्मियां आ गई हैं तो मैंने इतना सा लिया है। इसको अच्छे से फैला के पूरे फेस पे लगाएंगे और फिर इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो बस यही होता है सीटीएम, समझ में आ गया। अच्छे से मसाज कर लेंगे। ओके, अब हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे। जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो सबसे पहला स्टेप तो आपको प्राइमर अप्लाई करना ही करना है। और जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग आई मेकअप करते हैं तो अगर हमने पहले अपने फेस का बेस रेडी कर लिया है तो आई मेकअप करने के बाद से जो आईज का प्रोडक्ट होता है सीमर ग्लिटर आई शेडो, वो सारी चीजें हमारे फेस पे गिर के और हमारा मेकअप बेस जो हमने पहले से मेकअप किया होता है उसको खराब कर देता है। तो आप जब भी मेकअप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपनी आई मेकअप को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैं कुछ कलरफुल आई मेकअप करने वाली हूँ। तो जब भी आप आई मेकअप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपनी आईब्रोज फिल करेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना चाहिए आपको मेकअप। तो मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल के थ्रू अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। छोटा सा मिरर सामने रख लीजिएगा, यहाँ पे मिरर है बड़ा बट मैं इस तरीके से घूमूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने छोटा मिरर ले लिया है। इस तरीके से आपको नीचे की तरफ से एक लाइन बना देनी होती है। ओके, आईब्रो का जो शेप है उसके तरीके उस तरीके से ही आपको लाइन बना देनी है, उसके बाद से ऊपर से इस तरीके से। और बहुत ज्यादा कलर आपको नहीं लगाना है यहाँ पे, बस इतना लगा के छोड़ देंगे, इसको ब्लेंड करेंगे तो ये आपका नेचुरल लुक आ जाएगा। फ्रंट में आप सोच रहे हो फ्रंट में नहीं लगाया, तो फ्रंट में आप अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा देते हो तो आपका जो आईब्रो है वो ड्रामेटिक दिखेगा, मतलब लगेगा कि ड्रामा वगैरह करने जा रहे हैं उस टाइप का। तो नेचुरल लुक के लिए आपको आई फ्रंट का जो आईब्रो है उस पर छोड़ देना है कलर। आप जब ब्रश से मिक्स करोगे तो उस वही प्रोडक्ट धीरे धीरे करके फ्रंट में आ जाएगा। अब आप जब दूसरी आईब्रो फिल कर रहे हो तो यहाँ से आपको एकदम बराबर में लेके जाना है। यहाँ पे हमारा बराबर आ रहा है, ये नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, दोनों आईब्रो एकदम इक्वल होनी चाहिए, बराबर में आना चाहिए। इस तरीके से फिर ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के आउटर कॉर्नर पे यानी कि लास्ट पॉइंट पे आपको
अच्छे से लगा लेना है एंड इनर कॉर्नर पे इस तरीके से छोड़ देना है। अब हमको आईब्रो फिल करने वाला ब्रश लेना है। आईब्रो फिलिंग के लिए ये वाला ब्रश, सॉरी कॉटन है, ये वाला ब्रश बेस्ट होता है। अब यहाँ से आपको इस तरीके से अपर डायरेक्शन में इस तरीके से मिक्स करना है एंड इसी जो प्रोडक्ट इसमें लगा होगा उसी से आपको फ्रंट में मिक्स कर देना है। दैट्स इट, एकदम नेचुरल दिखता है। जूम करके दिखा देंगे आपको और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है। ओके, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप निकाल दोगे और ये हमारी आईब्रो अच्छे से फील हो चुकी है। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चलेगा, बट इनर कॉर्नर पे आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप नेचुरल लुक अपनी आईब्रोज को दे सकते हो। इसके बाद अगर आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर है तो आप डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके अपनी आईब्रोज को सेट कर लोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लगाया है जो कि लिक्विड टाइप का है तो ये बाद में फैल सकता है। तो इसलिए इस तरीके से मैंने डार्क कलर का ब्राउन शेड का यहाँ पे लिया है कलर आई शेडो पैलेट में से और उसको इस तरीके से नॉर्मली आईब्रो के ऊपर लगा देंगे बहुत ज्यादा फेयर कलर के लिए। और अगर आप डार्क हो तो ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा आईब्रो सेट हो गया। आईब्रो फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईब्रो कैसे फील करते हैं। आपको कोई डाउट है? समझ में आ गया ना? तो हम लोग अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए आप डायरेक्ट कंसीलर अपने आईज पे, आईज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आईज के ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा भी कंसीलर अप्लाई कर रहे हो तो वो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग अपना आई मेकअप का जो शेड लगाते हैं तो कंसीलर अच्छे से लगा रहता है तभी अच्छे से दिखता है। अब इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला कर देना है, देन उसके बाद इसको टैप टैप करके मिक्स कर लेना है। नेचुरल मेकअप है ये, डे पार्टी मेकअप के लिए आप ये ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब डायरेक्टली ब्लेंड करके ही आपको मेकअप स्टार्ट नहीं करना है, आपको इसको सेट करने की जरूरत है। सेट करने के लिए कोई सा भी पाउडर ले लीजिए आप। और इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करना बहुत जरूरी है कंसीलर को। अब इसके बाद से आप ना आई मेकअप स्टार्ट करोगे। आई मेकअप का जो हमारा क्रीज एरिया होता है वहां पे कलर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का ब्रश लेना होता है। अपर में मैं लाइट पिंक कलर का शेड ले रही हूँ, ये शेड ले रही हूँ। क्रीज एरिया क्या होती है? क्रीज एरिया जो हमारी आईज की हड्डी होती है इसके ऊपर अप्लाई करना है, नीचे नहीं अप्लाई करना। ओके, तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। जब आप क्रीज एरिया पे कलर अप्लाई कर रहे हो तो आपका कलर आईज के यहां तक होना चाहिए, इसके आगे नहीं आना चाहिए। ओके, ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी अप्लाई करना है। कुछ पूछना होगा तो बीच में पूछ सकते हैं। अब आपको इससे थोड़ा डार्क कलर लेना है तो मैं यहाँ पे डार्क पिंक कलर का शेड ले रही हूँ और इसको जो हमारी हड्डी के ऊपर हमने लाइट पिंक कलर का लगाया था और ये जो हड्डी है जस्ट इसके ऊपर हमको
डार्क कलर का लगाना है। उसके साथ साथ हमको आउटर कॉर्नर पे भी इस तरीके से कलर को अप्लाई कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी वाली एज पे भी करना है। इसे एक बार देख लीजिए, लाइट पिंक कलर हमने इस हड्डी के ऊपर लगाया था और डार्क पिंक कलर हमने जस्ट इस हड्डी के ऊपर ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। ओके, इसी बात अगर आपको, आप बेगिनर्स हो, आपको कट क्रीज वगैरह बनानी नहीं आती और आपको मेकअप करके कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली लाइट कलर का कोई शेड लोगे या फिर गोल्डन ले लोगे या फिर अपने ड्रेस से मैचिंग कुछ भी हो वो कलर लेके आपको अपने आई लीड पे अप्लाई करना है। आई लीड पे जो भी कलर आप अप्लाई करते हो वो इनर कॉर्नर पे नहीं अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर पे आपको हमेशा लाइट शेड सिल्वर या फिर व्हाइट कलर का ही अप्लाई करना है। इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। अब आपको इनर कॉर्नर के लिए व्हाइट कलर का आई शेडो लेना है और इनर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई करना है। जो व्हाइट कलर का कलर आप अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रहे हो वही जस्ट नीचे भी अप्लाई कर देना है। और जो आपने डार्क कलर का शेड लेके अपने क्रीज एरिया के जस्ट नीचे अप्लाई किया था वो कलर आपको लोअर वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमने अभी ये कलर अप्लाई किया तो हमारे फेस पे गिरा हुआ है। यही फायदा होता है, आप आई मेकअप पहले कर ले रहे हो उसके बाद से आप अपना फेस मेकअप करोगे तो आपका जो मेकअप है वो खराब नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप ग्लिटर ले लो और अपने आईज पे अप्लाई कर दो। ग्लिटर नहीं लगाना है तो आप शिमर भी अप्लाई कर सकते हो। ये डे पार्टी के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई बड़ी पार्टी या फंक्शन है, वेडिंग फंक्शन है तो आप ग्लिटर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई करने के लिए आपको इस टाइप का ब्रश लेना होता है और मैं यहाँ पे येलो कलर का ग्लिटर ले रही हूँ। जस्ट यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। दूसरे वाले आईज पे भी फेस्ट्रेट आपका मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आईलाइनर, मस्करा और काजल वगैरह जो भी अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर लोगे। अब जब हमने आई मेकअप पहले कर लिया है, अब हमारे फेस पे जो ग्लिटर अप्लाई हुआ है वो हमारे फेस पे गिरा है जो कि इजिली रिमूव नहीं होता है। तो आप कभी भी जब भी आपके फेस पे प्रोडक्ट गिर जाए तो डायरेक्ट नहीं अप्लाई हटाना है या फिर हाथ नहीं लगाना है या फिर कोई कपड़ा नहीं लगाना है। आपको लेना है ब्रश, थोड़ा सा पाउडर लेना है एंड इस तरीके से कर दोगे तो जितना भी प्रोडक्ट आपका गिरा होगा वो इजिली रिमूव हो जाएगा। या फिर आपने मेकअप कर लिया है तो भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब लाइनर लगाएंगे। लाइनर लगाते टाइम कई सारी मिस्टेक करते हैं हम, तो वो क्लियर कर देती हूँ मैं। लाइनर लगाने से पहले आपको मस्करा अप्लाई करना है। ठीक है, क्यों उदास है, बोलिए कुछ। मस्करा अप्लाई करेंगे तो जितना भी हमारा व्हाइट प्रोडक्ट या फिर सीमर वगैरह हमारे आई लैशेज पे लगे हैं वो इजीली रिमूव हो जाएगा और आपका आई लैशेज अच्छा दिखेगा। अगर आपको आई लैश अप्लाई करना है, आर्टिफिशियल आई लैश, तो आपको मस्करा लगाने, लाइनर लगाने से पहले अप्लाई कर देना है
उसके बाद आप आईलाइनर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से मस्कारा अप्लाई कर लिया मैंने। अब जब भी हम लोग लाइनर लगाते हैं तो अक्सर हमारी विंग्स में प्रॉब्लम आती है, विंग्स बिगड़ जाता है या फिर इनर कॉर्नर पे इजीली नहीं हो पाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, इनर कॉर्नर पे भी एक डॉट लगा देना है और इस तरीके से मिक्स करना है। इसके लिए मुझे मिरर में देखना होगा, तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। इनर कॉर्नर से इस तरीके से लेके जाना है। अगर आपकी आई छोटी है तो आप थोड़ा सा चौड़ा आईलाइनर अप्लाई करोगे, और अगर बड़ी है तो आप सिर्फ आईलैशेज में चिपका के अप्लाई करोगे। और जब भी हम लोग आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो हमारा विंग्स जो बिगड़ जाता है उसके लिए क्या करना है, ये वाले आईज पे मैं लगा ले रही हूँ, दूसरे आईज पे बताती हूँ। जो हमारी आईज की कट लाइन होती है वहां से आपको विंग्स रेडी करना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका जो कट विंग्स है वो ऊपर नीचे नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने लाइनर लगाया है। इसी तरीके से हम दूसरी आईज पे भी लगाना है। इस तरीके से आपको यहां पे लगाना है इनर कॉर्नर से लाके बीच में सेंटर में मिला देना है। अब जब हम लोग विंग्स बनाते हैं, इस साइड का विंग्स मैंने बना लिया, दूसरी साइड का भी सेम हो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी आईज की बीच की कट होती है यहां से आपको लाइनर लेके जाना है ऊपर। अब आप देखो बिल्कुल सेम है दोनों साइड। अब इसको लाके इसे मिक्स कर देना बस। तो इस तरीके से आप लाइनर लगाओगे तो आपके विंग्स बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। अब इनर कॉर्नर पे आपको लाइनर को थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से खींच लेना है। इस तरीके से खींचने से क्या होगा कि ये प्रोफेशनल दिखता है। अब लो वाटर लाइन पे लगाना है या नहीं लगाना है ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। अगर आपको सूट करता है तो आप लगाओ, सबको नहीं अच्छा लगता है लो वाटर लाइन पे आई लाइनर लगाना तो आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपकी आई छोटी है तो आप व्हाइट काजल अप्लाई करोगे एंड बड़ी है तो आप ब्लैक काजल अप्लाई करोगे। तो मेरी आईज मीडियम में है तो मैं यहाँ पे व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मेरी आई थोड़ी सी और बड़ी दिखे। ओके अगर आप व्हाइट काजल अप्लाई कर रहे हो तो आपको ब्लैक आईलाइनर इसके नीचे अप्लाई करना है। अगर आपके आईज में आईलाइनर चला जाए तो आपको साइड से इस तरीके से इनर कॉर्नर से कॉटन रख के लाइनर को रिमूव करना है। इस तरीके से लाइनर को लेना है, देन व्हाइट काजल के जस्ट नीचे आपको इसको अप्लाई करना है। बिल्कुल पतली लाइन में। ओके इसी तरीके से दूसरी आई भी। आपने ब्लैक काजल अगर लगाया है तो आप अगर ये आईलाइनर नहीं लगाना चाहते हो तो भी चलेगा, बट मैं एडवाइस दूंगी कि आप लगा लीजिएगा क्योंकि काजल जो होता है वो फैल जाता है और हमारा मेकअप बाद में खराब होने का डर रहता है।
तो अगर आप लाइनर लगाओगे तो आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया, एंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इस, अभी आपको क्या करना है, जो ये हमारा शेड होता है ब्लशिंग वाला, इसके अंदर व्हाइट कलर का शेड दिया होता है, ये वाला शेड लेना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। इससे आपका आई मेकअप बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। ओके, अब यही व्हाइट कलर का शेड आपको इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। पहले अप्लाई कर लीजिएगा, मैं बाद में कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपने फेस को साफ कर लेना है कॉटन से, जितना भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके फेस पे गिरा है। अब इसके बाद आप अपना फेस का मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। फेस के मेकअप के लिए अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लोगे। अगर आपके पास ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर नहीं है, इसको कैसे अप्लाई करना है इसको मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है, बट अगर आपके पास ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास रेड कलर की लिपस्टिक है या फिर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है तो उसको भी आप कलर करेक्टर की जगह पे यूज कर सकते हो। तो ये है मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक, इससे आप अपने डार्क सर्कल को कैसे हाइड करोगे वो मैं बताऊंगी यहाँ पे। इससे पहले मेरा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मेरे फेस पे आ रहा है बार बार, तो कॉटन लेके इस तरीके से आईलैशेस पे जहां पे भी आपको लगे कि आपका लाइनर या काजल गिरने वाला है वहां पे आप पहले साफ कर लो, उसके बाद अपना फेस का मेकअप स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अब हम लोग अपना फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए आप लिपस्टिक का यूज कैसे करोगे वो मैं बता रही हूँ। उससे पहले आपको प्राइमर अप्लाई कर लेना है। प्राइमर यहाँ पे मेरा हुड्डा ब्यूटी का है। काफी सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है कि मैम जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो दिखाया कीजिए वीडियो में, तो इसलिए मैं सारे प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। तो प्राइमर को इस तरीके से फैला लिया है एंड पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। प्राइमर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मेकअप में, तो इसको स्किप नहीं करना है। लगा लिया, अब मुझे थोड़ा आईज के नीचे में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप इस तरीके से लिपस्टिक को लेके अपनी डार्क सर्कल पे जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स है वहां पे आप इस तरीके से अप्लाई कर दोगे, देन इसको ग्राइंड कर देंगे। इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने इसको अप्लाई किया है, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ब्लेंड कर दिया, अब आप अपना कंसीलर लोगे स्किन से मैच होते हुए। ये कंसीलर है एलिगेंस का प्रो कंसीलर है, हाई डेफिनेशन है, एचडी प्रो कंसीलर है, तो एचडी मेकअप के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लेना है एंड अपना जो भी मेकअप आपने किया है उसको ब्लेंड कर देना है। मैंने कैमरे का जो लाइटनिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल रखा है ताकि कुछ भी इसमें ये ना हो कि एडिटिंग है या फिल्टर की वजह से आपको समझ में नहीं आया। तो आपने देखा मेरा डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो गया। यहाँ पे जहां भी आपको लगे कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे आप क्या करोगे, बहुत बारीकियों के साथ बता रही हूँ तो पूरा वीडियो देखा कीजिए गाइस। थोड़ा थोड़ा कंसीलर और ले रही हूँ, इस तरीके से स्किन को खींच लेना है। देन ब्लेंड कर देना है।
यहाँ पे मेरा डार्क सर्कल बिल्कुल अच्छे से हाइड हो चुके हैं। आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे देन कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करके आपका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो फाउंडेशन के लिए मैं लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन ले रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसको 10 साल से यूज कर रही हूँ। एंड फिटमी का भी फाउंडेशन काफी अच्छा है, वो भी चाहो तो आप ले सकते हो। तो मेरे फेस पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मैं फाउंडेशन की क्वांटिटी बस इतनी सी रख रही हूँ। ये भी ज्यादा ही है तो पूरे नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे इसके साथ। जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करोगे उतना गर्दन वगैरह पे भी अप्लाई करना है, उतना मतलब जो आपका एरिया जिसपे आपको आपको डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, उसको छोड़ के जैसे आपने कलर करेक्टर यूज किया तो वो सब चीजें गर्दन पे नहीं अप्लाई करनी, बट फाउंडेशन, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर ये सारी चीजें आपको गर्दन पे भी अप्लाई करनी है। ओके ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ब्लेंडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। अगर आपने ब्लेंडिंग पे ध्यान नहीं दिया तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। अभी एक ट्रिक बताऊंगी जिसके जिसके थ्रू आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। यहाँ पे हमने फाउंडेशन तो ब्लेंड कर लिया, बट ये बहुत ओवर दिखे या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको चाहिए, जिस जैसे कि मेकअप आपका केकी ना पड़े, ब्लैक ना पड़े, उसके लिए आपको मेकअप फिक्स कर लेना है देन अपने फाउंडेशन पे अप्लाई कर देना है और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको दोबारा से सेट कर देना है। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट करना है। यहाँ पे हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब पूरे फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते टाइम आपको ब्रश ब्रश को राउंड राउंड घुमाना है, सिंपली ऐसे ऐसे नहीं करना है, राउंड राउंड घुमाओगे तो आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा। मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई नहीं किया है तो मुझे कंसीलर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा डार्क पैचेस है, डार्कनेस है, तो आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिएगा। कंसीलर अप्लाई करना है आपको सिर्फ आईज के नीचे, नोज पे एक स्ट्रेट लाइन, अपर लिप पे, ठोड़ी पे, देन फोरहेड पे एंड यहाँ पे। ओके कंसीलर बस इतना ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसीलर कैसे अप्लाई करना है वो बता दूंगी। तो हमने कॉम्पैक्ट पाउडर सेट कर लिया, ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ब्लशर लगाएंगे, रेड कलर या पिंक कलर। बहुत ज्यादा ब्लशर नहीं अप्लाई करना है, डे मेकअप है तो नाइट में थोड़ा सा चल जाएगा, बट डे के लिए आपको एकदम लाइट लाइट ही अप्लाई करना है, जिससे कि आपका मेकअप का लुक जो है वो नेचुरल दिखे। माइक मेरा ढक गया था। जो ब्लशर आप अपने गालों पे अप्लाई कर रहे हो ऐसे करके, आपको जो आपका चिकबोन्स है जस्ट उसी पे आपको ब्लशर अप्लाई करना होता है। स्माइल करिए और अप्लाई कीजिए, नोज पे भी अप्लाई करना है, जिससे कि आपका जो व्हाइटनेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा एंड आपका मेकअप नेचुरल दिखेगा। इसके बाद आपको हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर मेरा ये मेकअप और ये सॉरी ब्लशर और हाइलाइटर मेरा दोनों एक ही कंपनी का है, स्विस ब्यूटी का है, जो कि काफी अच्छा है। शेड नंबर 2 है, मेरे फेस पे शेड नंबर 1 जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शेड नंबर 2 ले लीजिए, ये ऑल फेस के लिए चल जाएगा। हाइलाइटर यूज करने के लिए आपको हाइलाइटर ब्रश लेना है, हाइलाइटर को इस तरीके से लेना है, नोज पे अप्लाई करना है। देखिए कितना अच्छा साइन है, यहाँ पे कैमरे में भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप आईज के नीचे भी थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर दो, जिससे कि आपका डार्क सर्कल हाइड हो जाएगा। अपर लिप्स पे, ताकि लिपस्टिक लगाओगे तो आपका जो लिपस्टिक है वो अच्छा दिखेगा। फोरहेड पे
अब आपको लिपस्टिक अप्लाई करना है। लिपस्टिक की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, डिटेल में बता दूंगी। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो फाइनल लुक मैं आप लोग के। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मेकअप का आज का फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी बैगिनर्स हैं जिनको मेकअप में दिक्कतें आती हैं लाइनर लगाने में, लिपस्टिक लगाने में, या फिर मेकअप बेस रेडी करने में, जो भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। डे पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है ये, एंड डे पार्टी के लिए जो भी आप मेकअप चूज करते हो वो लाइट शेड का चूज कीजिए। जैसे कि लाइट शेड से मतलब है मेकअप बेस जो है आपको, वो तो आपको रेडी करना ही करना है। उसके बाद जो आपके मेकअप को डार्क या लाइट दिखाने में जो मेन चीज होता है वो होता है आपका लिपस्टिक और आई मेकअप। तो अगर आप दिन के लिए मेकअप चूज कर रहे हो तो अपनी लिपस्टिक का शेड एंड आई मेकअप का जो शेड है वो लाइट चूज कीजिए, जिससे आपका मेकअप लाइट दिखेगा और डे पार्टी के लिए बेस्ट रहेगा। नाइट के लिए आप डार्क चूज कर सकते हो, नाइट में थोड़ा सा डार्क चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।